राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा श्री हरिदास। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, दिवाली चल रही है तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। और वैसे मैं सेवा पूजा भोग आरती सब कर चुका हूँ, क्योंकि मैं कार्तिक स्नान भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी मतलब मैं 4 ही बजे उठता हूँ और उस टाइम स्नान करता हूँ। लेकिन अभी वीडियो बनाना मैंने 7 बजे से शुरू किया है, अप्रॉक्स 7 या 7:30 बज रहे हैं। मेरी सारी पूजा हो चुकी है, सेवा भी हो चुकी है। और यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने, जो लोग पहले से जुड़े होंगे वो जानते होंगे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त हो चुका था। वैसे मेरी टेबल ऐसी कभी अस्त व्यस्त होती नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरे पास इतना समय था नहीं कि मैं सब कुछ सही से करके रख सकूं। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो सारे जितने भी मेरे क्वेश्चन पेपर्स हैं इन सभी को मुझे इकट्ठा करके रखना था अच्छे से, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जब भी आएगा तो पहले मैं इनसे प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद ही आगे देखूँगा क्या करना है। हालाँकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो बात अलग है, मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ। तो सारे एग्ज़ाम पेपर्स को मैंने अच्छे से एक तरफ करके और फाइल फोल्डर में रख लिया। और ये फाइल फोल्डर देख लेना, इसमें मेरे थर्ड क्लास से सारे एग्ज़ाम के कॉपीज रखे हुए हैं, थर्ड क्लास से मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, और जिनका कोई भी मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं, खाली मैं रख ही रहा हूँ उनको पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैंने सारे अच्छे से रख दिए, और मेरी टेबल इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मैं आए दिन कॉपी निकालता रहता था और उन्हें एक अलग रखता रहता था, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं था मेरा। तो ये एक धीमे धीमे काम इकट्ठा होगा, क्योंकि होता है जब आप किसी काम को छोड़ते चले जाते हैं तो फिर वो काम एक बर्डन की तरह आपके ऊपर इकट्ठा हो जाता है और वो चीज़ें बहुत गंदी भी लगने लगती हैं। तो मेरी टेबल बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रही थी, तो आज मैंने सुबह मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये काम कर लेता हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो चुकी हैं, तो इन सारी चीज़ों का उनकी जगह पर रखा। उसके बाद मैं अच्छे से मैंने टेबल की सफाई करी, और बाकी अभी मुझे इस टेबल का भी प्लस रूम का भी मेकओवर करना है। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, बजट फ्रेंडली जिसे मैं कहूँगा, एक बजट के अंतर्गत आप एक बहुत ही अच्छा मेकओवर कर पाएंगे अगर आप वीडियोस देखेंगे। और ये देखिए, ये मेरी अभी रिसेंट आखिरी एग्ज़ाम की कॉपीज़ हैं जो कि मेरे बैग में पड़ी हुई थी, और ये पेपर भी रह गया, तो इन सबको भी मैंने अभी निकाल लिया। अभी इन्हें भी मैं अच्छे से पहुँच के और अपनी मतलब टेबल पर सेट कर दूँगा, क्योंकि अभी मेरी 4 दिन की अप्रॉक्स छुट्टी है, तो मुझे स्कूल जाना नहीं है, तो इसीलिए मैं सारा काम अपना निपटा देता हूँ और 4 दिन के लिए फ्री हो जाता हूँ। और एग्ज़ाम मेरे कल ही ख़त्म हुए हैं और आज काम ये मैं निपटा देता हूँ। बाकी पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब से मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे तब से ही काम धीमे धीमे करके इकट्ठा हो गया मेरे पास बहुत सारा करने के लिए। और मैंने काफ़ी सारे दिवाली रिलेटेड वीडियोज़ भी चैनल पर डाल रखे, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है और एकदम प्रॉपर वे में मेरी टेबल अब हो गई है। तो ऐसी टेबल जब रहती है तो पढ़ने में भी मन लगता है। तो ये देखिए, अब इसके बाद में ना सेवा पूजा तो मेरी हो ही चुकी थी, ये वाला काम करने के बाद में मैं आ गया दूसरी जगह की सफाई करने के लिए। तो घर की एक रैक थी, उसकी सफाई करनी थी। और ये देखिए, ये बिल्कुल टॉप फ्लोर टॉप मोस्ट जो है रैक है, और यहाँ पर ऐसा सामान रखा गया था जिसकी ज़रूरत हमें बहुत कम ही पड़ती, इवन उसमें हमें बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती क्योंकि उसमें सामान ही ऐसा रखा था। लेकिन अब दिवाली थी भाई, सफाई तो करनी थी। और मेरे घर के जो चूहे हैं ना, इस बार पता नहीं कहाँ से आ गए, वैसे हमारे घर में चूहे थे नहीं, इन्होंने जो न्यूज़पेपर इसकी इतनी अच्छी कतरन करी है कि मुझे लग रहा था कि अपने घर के चूहे को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने लगूँ कि भाई तुम लोग ये कतरन करके हमको दे दिया करो, हम इसे बेचना शुरू कर देंगे। इतनी फाइन, इतनी बारीक, एकदम इक्वल उन्होंने इसको काटा है जिसकी कोई हद नहीं है, और इतनी गंदगी यहाँ पे फैलाई कि अब ये सब देख के मुझे लग रहा है मुझे दोबारा नहाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा जितना भी था वो इकट्ठा कर लिया, सामान वगैरह भी मैंने सारा उतार दिया था। इसके बाद में साइड में जा ले, एक तो इन दीवारों पर ना, ये हमारे घर का ऐसा हिस्सा है जिसमें ये मतलब रहने के हिसाब से नहीं बनवाया गया था, ये सामान के स्टोरेज के हिसाब से बनवाया गया था, इसीलिए इस पर इतना लाइट कलर है कि जाले लग जाते हैं और जाले दिखाई नहीं देते। ऊपर ऊपर जो डार्क हो जाते हैं ना जाले, एकदम काले पड़ जाते हैं, वो तो दिखाई दे जाते हैं तो वो ले लिए जाते हैं, लेकिन जो एकदम हल्के हल्के जाले होते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं समझ में आते। और जब इसको खोला मैंने और जब इसका सारा सामान हटा, तब पता चला कि अरे, यहाँ तो पूरा मकड़ियों का परिवार रह रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, घर में जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अब सारे जाले हम अच्छे से ले लेंगे, क्योंकि ये लाइट पेंट है, अगर यही डार्क शेड का पेंट होता ना तो वो जाले दिखाई देते, लेकिन इतना लाइट है इसीलिए जाले भी मैच कर जाते हैं। और एक एक करके हम अच्छे से वो सारे ही जाले निकाल लेंगे, और यहाँ पर जितनी गंदगी हो गई उसको भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है। और ये काम को ना अभी से करना शुरू कर दीजिए, अगर अभी भी आपने अपनी दिवाली की सफाई शुरू नहीं करी है तो आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी दिवाली में टाइम है। बट इट डिपेंड्स कि आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हो और आपका घर और आपके पास एरिया कितना है साफ़ करने के लिए। तो ये सब प्री प्लान था। हालाँकि मैंने भी दिवाली की सफाई एक मतलब मेरे एग्ज़ाम के ख़त्म हुए हैं और दिवाली संडे की है, एक ही 1.5 हफ्ता भी नहीं मेरे पास, मुश्किल से 4 से 5 दिन है पूरी सफाई करने के लिए। लेकिन मेरी थोड़ी सी हैबिट में, इसीलिए मैं एक दिन में ज़्यादा काम कर पाता हूँ। अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिए हैं,
और क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि एकदम फालतू वाला सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर बिछाया है। और ये वाली जो कर्टन है ना, इस पर लगी हुई थी, ये रेड कलर की है, लेकिन कैमरा इस कलर को जस्टिस नहीं कर पा रहा है। और बाय गॉड, ये मैंने लास्ट दिवाली पे मतलब नई लगाई थी लास्ट दिवाली पर, इसके पहले जो लगी थी वो ख़राब हो गई थी, उसे चूहे ने कुतर दिया था नीचे से। तो ये मैं नई लेके आया था और ये लास्ट दिवाली पर मैंने लगाई थी और एक साल से लगी हुई, इसको धोया नहीं गया क्योंकि ये वाला रूम ज़्यादातर बंद ही रहता है। और इस पर जो धूल का लेवल है, मैं बता नहीं सकता किस कदर की इस पर धूल है कि हाथ लगा दो तो इस पर हाथों में धूल आ रही है। अगर मैं इसे मशीन में डायरेक्ट डाल देता ना, तो मशीन 4 से 5 बार भी धोती लेकिन इसको साफ़ नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने इसे गर्म पानी में जो बेकिंग सोडा होता है उसे डाला हुआ है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, धूल दिख नहीं रही है आपको कैमरे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है क्योंकि प्रॉपर एक साल से लगी है, इसे हमने एक भी बार उतारा नहीं है और ये बंद ही रहती है एकदम प्लेन, इसलिए धूल इस पर ज़्यादा चिपक गई। तो हमने इसे गर्म पानी में अच्छे से डुबा दिया, अब गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए बार बार मेरा हाथ भी जल रहा है, लेकिन मेरे अंदर अभी इसी दिवाली की सफाई की इतनी हड़क लगी हुई है कि बस कुछ भी हो जाए लेकिन सफाई तो करनी है। तो मैंने इस पर पानी में बेकिंग सोडा डाला हुआ है और गर्म पानी, और गर्म पानी भी अच्छा वाला गर्म पानी है, अच्छे से हम इसे पूरा डुबो देंगे, इससे क्या होगा इसका जितनी भी गंदगी है ना वो फूल जाएगी। और देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये देखिए पीछे से पानी काला होना भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि धूल रिलीज़ कर रही है जो कर्टन है वो। तो इसको ये धोने की एक ट्रिक है, अगर आपके पास भी इतने भी गंदे कपड़े हैं तो आप उन्हें ऐसे ईजिली धो सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे शाम को हम लोग मार्केट आ गए थे क्योंकि मुझे कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी अपनी थीम के अकॉर्डिंग। काफ़ी देर तक हम लोग देखते रहे थे और काम आपको भले ही छोटा लग रहा हो कि बहुत कम देर में हो गया, लेकिन ये सारा काम करने में पूरा दिन लग गया था क्योंकि इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे हिस्सों की सफाई करी थी जो उनके वीडियो नहीं बनाए मैंने, क्योंकि वीडियो बना के जब काम करो ना तो जो काम 40 मिनट में होता है वो काम करने में 60 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि देखना होता है कि क्या हमें दिखाना है क्या हम नहीं दिखा सकते। बाकी रात मेरी वैसे ही अपनी ठाकुर जी की सेवा के साथ ठाकुर जी का शयन करा दिया और इसके बाद में सारी उनकी ज्वेलरी वगैरह भी निकाली, जैसे मैं कराता हूँ वैसे ही मैंने कराया। और ये वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बिल्कुल जुड़े रहिएगा। ठाकुर जी का हमने पर्दा लगा दिया है और ठाकुर जी हमारे सो रहे हैं, सुबह अब हम ठाकुर जी को उठाएंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।